गाइस मैं अब हूँ डनमार्क में। गाइस ये रहा फाइनली गुलमर्ग का रास्ता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आज आया हूँ कश्मीर की एक ब्यूटीफुल लोकेशन में जिसका नाम है गुलमर्ग। एंड आप लोग उम्मीद करता हूँ कि इस ब्लॉग को लाइक करोगे। एंड चलते हैं, आज आपको मैं गुलमर्ग दिखाता हूँ। लेट्स होप यू गाइस विल लाइक दिस ब्लॉग एंड जस्ट हैव अ लुक अराउंड। आज मैंने चश्मा पहन रखे है, ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई चाइनीज फिल्म का बी ग्रेड मूवी का हीरो। वैसे अपनी आंखों को बचाने के लिए पहना हूँ। तो चलते हैं आगे की ओर, मैं आपको आज पूरा व्यू दिखाऊंगा। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। गाइस अभी हम जा रहे हैं गोंडोला की तरफ एंड मैं आपको वहां पहुंच के आपको मैं दिखाऊंगा कि वहां से नजारा कैसे दिखते हैं। एंड ये है रास्ता गोंडोला का। This is the entrance to the gondola. मतलब कौन सा मंथ में आपको ये गोंडोला राइड करने को मिलता है? और दूसरी बात, इसके चार्जेस क्या रहता है? सर गोंडोला आपको 12 महीने ऊपर रहेगा। 12 महीने? हाँ 12 महीने ये ऊपर रहता है। ठीक। विंटर्स के टाइम यहाँ स्केटिंग करने लोग आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। ये वर्ल्ड नंबर 1 स्की रिसॉर्ट है। ओके। हाँ, एशियन्स फर्स्ट गोंडोला, वर्ल्ड सेकंड है ये। अच्छा। हाँ, इसका टिकट फर्स्ट फेज का 740 पर पर्सन, सेकंड फेज प्लस 950। ओके। अगर दोनों फेज को ही जाएगा नीचे से लेकर टॉप तक, 1690 पर पर्सन इसका टिकट रिटर्न। अच्छा। अच्छा। हाँ सर, फर्स्ट फेज में आपको लगेंगे सर 10 मिनट ठीक राइड करने में एक साइड से। ओके। हाँ, सेकंड फेज में आपको लगेंगे सर 18 मिनट एक साइड से। ओके। हाँ, ऊपर में जाके हम क्या कर सकते हैं? सर ऊपर में आप देख सकते हैं, ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, सेवन स्प्रिंग है, खेलन मार्ग है। अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर वहाँ पे स्नो बाइक्स है, अगर वो कोई कर सकता है वो भी कर सकते हैं। स्नो बाइक्स वहाँ पे वो पॉइंट्स दिखाएगा। ओके। क्योंकि बर्फ के टाइम पे उधर नहीं चल सकते है लोग। ओके। वो बाइक्स पे लेके जा रहे हैं सर, वो पॉइंट्स देख सकते हैं जो विंटर में आते हैं। जो समर में आते हैं उस टाइम हॉर्सेस इधर होते हैं, हॉर्स पे भी जा सकते हैं और पैदल भी लोग जाते हैं क्योंकि उस टाइम मैदान खाली रहता है, रास्ता नजर आता है। ओके। हाँ, एंड यहाँ कहते हैं कि समर में कौन सा टाइम होता है सबसे बेस्ट आने का यहाँ? सर जी समर में आप आ सकते हैं, अप्रैल में आ जाओ, मई में आ जाओ, जून में आ जाओ। और फ्लावर्स बर्फ आपको हमेशा मिलेगा ऑफर वन पे। Okay. 12 महीने बर्फ रहता है ऊपर टॉप। एंड फ्लावर्स कौन से मंथ में खिलता है? सर यहाँ पे अप्रैल से खिलेंगे फ्लावर्स, अपने आप नेचुरली फ्लावर्स। ओके। हाँ, गाइस यहाँ विंड भी बहुत ज़्यादा तेज है एंड अब देखो मैं कहाँ आ गया आसमान में। दिस इज सो अमेजिंग, जस्ट हैव अ लुक यहाँ। लेकिन देर तक रह नहीं सकते, रीज़न अगर रहेगा तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। गाइस है ना ये जगह मस्त, आप देख सकते हैं गाइस। मैंने स्कीइंग के लिए पूछा था तो ये बता रहे हैं कि 750 लगेगा आपको अगर आपको, और इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्कीइंग देन आपको लगेगा करीब 1200 के करीब। तो वो मुझे कह रहे थे करने को लेकिन मैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। गाइस फाइनली मैं गोंडोला राइड से नीचे आ चुका हूँ और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वहाँ आप काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है या आप करना चाहो तो। मेरा फ्रेंड का नाम फैजल है एंड वो आज हमें थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप एयरपोर्ट से आते हो तो आप सीधा आपको बहुत सारे कैब्स मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह है जो यू नो इतना फॉर्चुनेट नहीं है कि वो सीधा या कंफर्टेबली यहाँ आ पाए।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के लिए दो तीन तरीके हैं जिससे आप इन फ्यूचर आप आना चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड उसके थ्रू आप आ सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब यहाँ कश्मीर आते हो तो आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद जस्ट कुछ मीटर वॉकिंग डिस्टेंस में आपको बहुत सारे लोकल बसें मिल चलती है जिससे आप यहाँ आ सकते हो, मतलब श्रीनगर आप पहुँच सकते हो। एंड फैसल तुम बताना चाहो कि श्रीनगर एक कोई पहुँच जाता है उसके बाद से अगर आपको, मुझे पता है कि इनोवा मिल जाती है एंड आपको उसके अलावा अगर हमें कैब हायर ना करना हो तो कोई दूसरा जरिया है जिससे हम यहाँ पहुँच सकते हैं? बहुत सारे जरिया हैं, जैसे अगर आप एयरपोर्ट से जा रहे हो तो आप भटमालू भी जा सकते हो, डायरेक्ट गुलमर्ग आने की जरूरत नहीं है, वहाँ से आप फेयर दे सकते हो 150 के करीब, 150 दो चार भी बंदे भी होगा फिर भी बहुत कम बजट में यहाँ आ सकता है इंसान। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कैब ले लियो डायरेक्ट यहाँ आ गए। अच्छा, तो मेरा फ्रेंड ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका बस स्टैंड है जिसका नाम है भटमाला, आप वहाँ जा सकते हो और वहाँ से आप चाहो तो शेयर जो टैक्सीज होते हैं वो भी चलती है एंड बसें भी बहुत चलती हैं यहाँ, लेकिन वो क्या करेंगे आपको यहाँ से तनमर्ग तक लेके जाएंगे, तनमर्ग करके एक जगह है बीच में, आपको वहाँ उतार देंगे और आपको वहाँ से फिर थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा एंड वहाँ से चलने के बाद आपको आगे जब आप तनमर्ग पहुँचोगे तो आपको वहाँ से फिर आपको शेयर सुमोज मिलती है जो आपको गुलमर्ग तक लेके आएंगे। एंड आपको क्या लगता है गुलमर्ग में यहाँ कोई, मतलब ये जस्ट फॉर टूरिस्ट है या यहाँ पे कोई मतलब लोकल्स बसे हुए हैं इस एरिया में? लोकल्स तो ऐसे बसे नहीं है, पूरा कमर्शियल एरिया है, 5-6 जगह है यहाँ पे घूमने की, चिल्ड्रंस पार्क है, बर्ड पथरी है, यहाँ से लिंक रोड है गुलमर्ग में। ओके, दूसरा स्कीइंग कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो स्कीइंग गंडोला भी है जो यहाँ का फेमस है। तो मेरा फ्रेंड बता रहे हैं कि यहाँ काफ़ी जगह देखने को है, आप आके आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस जगह में। एंड दूसरी बात मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि जब आप तनमर्ग पहुँचते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ आपको बहुत सारे मिलेंगे लोग, यू नो, रेन बूट ले लो, आपको जैकेट लेने को कहेगा और गाइड के लिए कहेगा, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस आपको इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब आओगे तो आप मोटे कपड़े पहन के आइए। आज मैंने भी मोटे कपड़े पहन के आया था, मैंने सोचा था कि आज चाइना वालों ने अगर मिसाइल भी छोड़ दिया तो शायद मैं फट नहीं पाऊंगा, रीज़न इतना मोटे कपड़े पहन के आया था, लेकिन मैं फाइनली यहाँ पहुँचा और मुझे ये फील हुआ कि यहाँ जितने कपड़े मैंने पहने वो सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज़्यादा कपड़े पहनने होगी ताकि यू नो आप सर्दियों से आप बच के रहें। यहाँ होटल्स भी काफ़ी है एंड आप वो तो खैर ऑनलाइन देख ही सकते हो कि कितना प्राइसेस होगा।